Good morning, smart learners of ABS. How are you all? I hope you all are safe and healthy at your home. And I always pray to God for your safety. तो चलो आज की स्टडीज भी स्टार्ट करने से पहले लेट्स प्रे टू गॉड. सो फोल्ड योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज. Today, we will continue our lesson number 6, that is preservation of food. Last video में बच्चे हमने पढ़ा था कि food कैसे spoil होता है, कैसे खराब हो जाता है. क्या-क्या factors थे वो हमने study किए थे. आज हम food को कैसे preserve कर सकते हैं, कैसे उसका संरक्षण कर सकते हैं, कौन-कौन से methods हैं, वो हम आज के video में समझेंगे. Now we will understand some methods of food preservation. Food को हम कैसे preserve कर सकते हैं वो methods हम detail में समझेंगे. First method is heating, then drying, cooling, sweetening and salting by adding preservatives, canning and pasteurization. ये सारे methods बेटा हम detail में इस chapter में समझेंगे. क्या एडवांटेजेस हैं फूड प्रिजर्वेशन के, क्या क्या फायदे हैं? यस, इट इंक्रीजेस द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटेरियल्स. हम फूड मटेरियल्स को इन मेथड्स के थ्रू लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं. ओके, तो चलो अब वन बाय वन हम ये सारे प्रोसेस समझेंगे. फर्स्ट मेथड इज हीटिंग. हीटिंग में बेटा हम फूड मटेरियल को गर्म करते हैं और गर्म करने से जो भी फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है और जो भी मटेरियल होता है फूड मटेरियल वो जर्म फ्री हो जाता है. आपने घर में भी देखा होगा, आपने किचन में मम्मा दूध को बॉईल करती है ना बेटा, इस तरह से दूध को बॉईल किया जाता है और जो भी जर्म्स होते हैं मिल्क में वो मर जाते हैं बॉइलिंग से और वो लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट मेथड इज ड्राइंग मेथड. इन दिस मेथड वी ड्राई दी फूड आइटम्स अंडर दी सन. सनलाइट में फूड आइटम को बेटा सुखाया जाता है और फिर स्टोर किया जाता है. आपने घर में देखा होगा मेथी के पत्ते, मेथी की सब्जी बनती है ना बेटा, फेनुग्रिक लीव्स को सुखाया जाता है धूप में और स्टोर किया जाता है और फिर वो लंबे समय तक चलती है और फिर हम उसे यूज कर सकते हैं. ऐसे ही रेड चिली, यस, लाल मिर्च को भी सुखाया जाता है और फिर वो यूज की
जाती है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बेटा, कॉलीफ्लावर्स, जिंजर, बहुत सारे वेजिटेबल्स प्रिजर्व करे जाते हैं बाय ड्राइंग मेथड, और ये बहुत पुराना मेथड है। ओके, नेक्स्ट इज कूलिंग। कूलिंग मींस टेम्परेचर कम करके, ठंडा करके हम फूड आइटम्स को कूल करते हैं, और उससे क्या फायदा होता है, जो भी बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं वो ठंडे टेम्परेचर में, कूल टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर पाते। तो कूलिंग में बेटा कूल टेम्परेचर दिया जाता है, फूड आइटम्स को रखा जाता है, और हम ये कहाँ पर रखते हैं, यस फ्रिज। हमारे घर में फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर फूड आइटम स्टोर कर सकते हैं हम, लाइक फिश, नॉन वेज, ये सारे वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स, बेटा तरह तरह के हम फूड आइटम्स स्टोर कर सकते हैं इन द कूल टेम्परेचर। ओके, स्वीटनिंग एंड सॉल्टिंग। स्वीटनिंग मींस जब हम फूड आइटम्स में शुगर ऐड करते हैं तो उस मेथड को हम स्वीटनिंग मेथड कहते हैं प्रिजर्वेशन का। अब देखो बेटा आपके घर में भी कई सारी चीजें हैं जो मम्मा क्या करती हैं, स्वीटनिंग प्रिजर्वेशन मेथड से फूड को प्रिजर्व करती हैं। आप जैम खाते हो, जेलीज खाते हो, ठीक है, मुरब्बास खाते हो, कैरेट का मुरब्बा होता है ना, बहुत न्यूट्रिशियस होता है बेटा, खाना चाहिए। और कई सारे फ्रूट्स भी हम स्वीटनिंग मेथड से प्रिजर्व कर सकते हैं, लाइक मैंगो, लेमन, आंवला। ओके, नेक्स्ट मेथड इज सॉल्टिंग मेथड। सॉल्टिंग मेथड में हम सॉल्ट यानी नमक को ऐड करके फूड आइटम्स को यूज कर सकते हैं, लाइक यस मैंने पिक भी दिखाई है, देखो पिकल्स, अचार, आम का अचार हो गया, नींबू का अचार हो गया, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम सॉल्टिंग मेथड से प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट इज बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स बेटा कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फूड आइटम्स में मिलाए जाते हैं जिससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है, जैसे सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव है, जो पिकल्स, जैम, सॉसेस, ये सब आप खाते हो ना, इन सब में ऐड किया जाता है जिससे वो खराब ना हो। एक और प्रिजर्वेटिव है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये भी एक ऐसा केमिकल है जो फूड आइटम्स में मिला सकते हैं और हम लंबे समय तक के लिए उन फूड आइटम्स को यूज कर सकते हैं। अगर बेटा हमारे पास ये केमिकल्स ना हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं, यस विनेगर भी यूज कर किया जा सकता है टू प्रिजर्व द फूड आइटम्स, एंड मस्टर्ड ऑयल तो हमारे घर में होता ही है, हम पिकल्स में भी डालते हैं, है ना। नेक्स्ट मेथड इज कैनिंग। कैनिंग मेथड में बेटा टिन के ये कैंस होते हैं, मेटलिक कैंस होते हैं जिनमें फूड आइटम्स स्टोर किया जाता है, और बच्चे कुक्ड फूड आइटम्स भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये जर्म फ्री होते हैं, स्टेरिलाइज कंटेनर्स होते हैं ये, एयर टाइट कंटेनर्स में भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो कैंस होते हैं इनमें हम फूड आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं और रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं, बट बेटा अगर ये एक बार ओपन हो गए तो ये रूम टेम्परेचर में नहीं रखे जाते, ये फ्रिज में रखे जाते हैं, कूल टेम्परेचर में रखे जाते हैं। ओके, लास्ट मेथड इज पॉस्चराइजेशन, PASTERIZATION। ये मेथड बेटा मॉडर्न मेथड है और ये मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, एंड दिस मेथड इज जनरली यूज टू प्रिजर्व लिक्विड्स। लिक्विड्स को हम इस मेथड से प्रिजर्व कर सकते हैं, जनरली मिल्क के लिए ये मेथड यूज किया जाता है, मिल्क को स्टोर करने के लिए। अब ये कैसे करते हैं, हाई टेम्परेचर दिया जाता है लिक्विड्स को, या मिल्क का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं तो मिल्क को हाई टेम्परेचर में गर्म किया जाता है और क्विकली ठंडा कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद स्टेरिलाइज बॉटल्स में या पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से
जर्म्स को या बैक्टीरिया को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता ग्रो करने का। ओके तो ये मेथड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और इसका इन्वेंशन किसने किया था? लुईस पाश्चर ने किया था, जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रांस के रहने वाले थे। ये देखो बेटा, मैं बॉइलिंग प्रोसेस दिखा रही हूं। यहां पे मिल्क बॉइल हो रहा है और बॉइलिंग प्रोसेस से जितने भी जर्म्स होंगे, कीटाणु होंगे इसके अंदर मिल्क के, वो मर जाएंगे और जो हमारा मिल्क होगा वो खराब होने से बच जाएगा। इसी तरह हम वाटर भी बॉईल करते हैं, वाटर के बॉईल करने से भी जितने भी इसमें बैक्टीरिया होते हैं वाटर में, वो मर जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये बॉइलिंग प्रोसेस देखा। ओके ये देखो बेटा, मैंने दो फूड आइटम्स लिए हैं, ये मैं ड्राइंग प्रोसेस दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये रेड चिली है, ये भी धूप में सुखा के हमने इसे ड्राई कर लिया है, और ये आलू के वेफर्स हैं। पोटैटो के हमने पतली पतली स्लाइस काट के धूप में सुखाई है और फिर सॉल्ट ऐड करके इसको प्रिजर्व किया है। तो इस तरह से हमने दो फूड आइटम्स लिए हैं जो ड्राइंग प्रोसेस से प्रिजर्व करे जाते हैं, एक है रेड चिली और पोटैटो। ओके बेटा, ये देखो बेटा, मैंने कुछ पैक्ड फूड आइटम्स लिए हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डाल के इनको प्रिजर्व किया है। इनमें कुछ में केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डले हैं और कुछ में नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स डले हैं। अब हम देखेंगे कि किन किन में केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डले हैं। ये देखिए, मायनीज है, मायनीज को हम इसमें पढ़ेंगे कंटेंट। इसमें भी ये देखो, ये लिखा हुआ है प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है बेटा, इसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव डाल के इसको प्रिजर्व किया गया। ये अगली है शेजवान चटनी, शेजवान चटनी में भी आप देख सकते हो, ये देखो प्रिजर्वेटिव लिखा है ना, तो इसमें भी केमिकल प्रिजर्वेटिव डाल के इसको प्रिजर्व किया जाता है जिससे लंबे समय तक चले। अब हम नेचुरल प्रिजर्वेटिव दिखाएंगे आपको, ये है मैंगो पिकल, इसमें भी हम क्या डालते हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव और सॉल्ट से इसको प्रिजर्व किया जाता है। ये देखो, मस्टर्ड ऑयल डालता है और कॉमन सॉल्ट, और भी बहुत सारी चीजें डलती हैं जिससे ये प्रिजर्व होता है। नेक्स्ट मैंने लिया है यस, चटपटा कैंडी, आंवला चटपटा कैंडी खाते हो ना, बहुत अच्छी होती है ये हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करती है बेटा ये आपकी, आपको खाना चाहिए आजकल। इसमें भी देखो प्रिजर्वेटिव्स क्या डला है, इसमें शुगर डला है। ओके तो शुगर डाल के इसमें इसको प्रिजर्व किया जाता है आंवला कैंडी को। तो ये मैंने कुछ फूड आइटम्स दिखाए जिसमें प्रिजर्वेटिव डाल के हम इन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय के लिए। ओके स्टूडेंट्स, गेट रेडी फॉर द रीडिंग पार्ट, ओपन योर पेज नंबर 31। वी विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम फूड प्रिजर्वेशन। वी कैन नॉट प्रिजर्व फूड फॉर एवर, बट वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हम बेटा फूड को हमेशा प्रिजर्व नहीं कर सकते, बट हम उसे खराब होने से बचा सकते हैं कुछ समय के लिए। द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल्स आर गिवन अ सूटेबल ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड मटेरियल्स आर स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड। और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम फूड मटेरियल्स को क्या करते हैं, स्टोर किया जाता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से उसको स्टोर करके प्रिजर्व करके रखा जाता है, और इस प्रोसेस को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। और इसका क्या फ़ायदा है, इससे हमारा जो फूड होता है वो ख़राब होने से बच जाता है और लंबे समय तक हम उस फूड को यूज़ कर सकते हैं। Different foods are stored or preserved by using different methods of preservation. बच्चे अलग अलग फूड के अलग अलग तरीके हैं स्टोर करने के, प्रिजर्व करने के, तो अब हम डिटेल में यही पढ़ेंगे। First process is heating. Heating kills all food spoiling bacteria and fungi. We heat milk to prevent it from spoiling. The boiled milk remains good for a long time. बच्चे हीटिंग एक ऐसा प्रोसेस है प्रिजर्वेशन का जिससे जो भी बैक्टीरिया, फंगी या कोई भी जर्म्स
प्रेजेंट होते हैं अगर फूड में, वो मर जाते हैं और हमारा फूड लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ड्राइंग मेथड। मैनी फूड आइटम्स कैन बी प्रिजर्व्ड सिंपली बाय ड्राइंग देम इन द सन। ड्राइंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। ड्राइंग मेथड बेटा बहुत पुराना मेथड है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स का। इसमें हम फूड आइटम्स को धूप में सुखाते हैं और फिर स्टोर करते हैं। इट रिड्यूसेस वाटर कंटेंट और मॉइस्चर इन फूड एंड दस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रिवेंटेड। मैनी वेजिटेबल्स लाइक फेनुग्रिक लीव्स, कॉलीफ्लावर्स, जिंजर एंड कैन बी प्रिजर्व्ड इन आवर होम्स जस्ट बाय ड्राइंग देम इन द सन। तो ये मेथड बहुत सक्सेसफुल है। आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें सुखा के मम्मा किचन में रखती हैं। चावल, दाल, जब ये सब चीज़ें भी आती तो भी वो धूप में सुखाई जाती हैं ताकि उसके अंदर का मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाए और वो लंबे समय तक स्टोर किया जा सके। ओके, नेक्स्ट इज कूलिंग। जर्म्स डू नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन द कोल्ड, सो फूड लाइक मिल्क, कुक्ड वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर केप्ड इन रेफ्रिजरेटर। बच्चे जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो ठंडे टेम्परेचर में ग्रो ज़्यादा नहीं करते। तो फूड लाइक मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम कहाँ स्टोर करते हैं? जो ये रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, हम इनको फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में ठंडा टेम्परेचर होता है, कूल टेम्परेचर होता है, जहाँ पर बैक्टीरिया या कोई भी जर्म्स ग्रो नहीं कर पाता है। फिश एंड मीट कैन बी केप्ट और स्टोर्ड इन डीप फ्रीजर फॉर मंथ्स। ऐसे ही जो फिश होती है या मीट होता है, नॉन वेज होता है, वो भी हम फ्रीज़र में जहाँ बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर होता है वहाँ पर हम उनको स्टोर कर सकते हैं कई महीनों तक। हेंस द आइटम्स रिमेन फ्रेश एंड लास्ट लॉन्ग। और जिससे जो फूड आइटम्स होते हैं जो स्टोर करते हैं हम फ्रिज में, वो लंबे समय तक चल सकें। नेक्स्ट इज स्वीटनिंग एंड सॉल्टिंग। फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन एंड आंवला कैन बी प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ जैम्स एंड पिकल्स। सॉल्ट एंड शुगर रिमूव वाटर फ्रॉम फूड मटेरियल्स। दिस प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग एंड दस प्रिवेंट्स फूड स्पॉइलेज। स्वीटनिंग एंड साल्टिंग भी बेटा दो मेथड्स हैं जिससे हम फूड आइटम्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन और आंवला, इनमें हम मीठा मिला के, शुगर मिला के भी प्रिजर्व किया जा सकता है इनको। और जैम्स और पिकल्स तो आप खाते ही हो। जैम्स में हम शुगर मिलाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, और पिकल्स यानी अचार में हम नमक डालते हैं, और चटनी हम खाते हैं उसमें भी नमक डाला जाता है जिससे वो ख़राब होने से बच जाए। दिस प्रिवेंट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग एंड दस प्रिवेंट्स फूड स्पॉइलेज। वो ख़राब होने से बच जाते हैं। पोटैटोज एंड बनानास आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ वेफर्स बाय ड्राइंग एंड एडिंग सॉल्ट एज प्रिजर्वेटिव्स। और बच्चों आपने बनाना चिप्स, पोटैटो चिप्स तो घर में बने हुए खाए होंगे, मम्मा बनाती है तो वो क्या करती हैं, सबसे पहले उनको सुखाती हैं और फिर क्या लगाती हैं उसमें, यस, सॉल्टिंग करती हैं, नमक लगाती हैं ताकि वो खराब ना हो। बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, सम केमिकल सब्सटेंसेस लाइक सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट आर यूज टू प्रिजर्व जूस, जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेज। बेटा कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो यूज किए जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, लाइक सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट। ये मार्केट में अवेलेबल होता है और ये जूस, जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेज में डाले जाते हैं जिससे इनकी लाइफ बढ़ जाती है फूड आइटम्स की, और कुछ समय के लिए ये खराब नहीं होते हैं। बिसाइड दीज, इनके अलावा मस्टर्ड ऑयल, वेनेगर एंड स्पाइसेस आर ऑल्सो यूज एज प्रिजर्वेटिव्स। और बेटे मस्टर्ड ऑयल घर में होता है ना, जो सरसों का तेल होता है, और सिरका, विनेगर और कुछ मसाले भी यूज किए जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट इज कैनिंग।
It involves the cooking of food items and storing in sterilized containers. Food sealed in tins can be kept at room temperature as long as they are not opened. और बच्चे कैनिंग एक और प्रोसेस है प्रिजर्वेशन का, जिसमें हम सील्ड टिन बॉक्सेस होते हैं जिसमें फूड आइटम्स रखे जाते हैं. कुक्ड फूड आइटम्स भी मिलते हैं बेटा इसमें, मार्केट में अवेलेबल होते हैं ये कैंस, इनको कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कैनिंग कहते हैं. और ये रूम टेम्परेचर में रखे जा सकते हैं, बट अगर हम इन्हें एक बार खोल दें, ओपन कर दें, तो हमें इन्हें फ्रिज में स्टोर करना पड़ता है. ओके, लास्ट मेथड इज पॉस्चराइजेशन, PASTERIZATION. पॉस्चराइजेशन में क्या करते हैं बेटा, इट इज वन ऑफ द मॉडर्न एंड मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड. फूड को प्रिजर्व करने का ये एक नया तरीका है, मॉडर्न मेथड है. दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर मेकिंग द मिल्क जर्म फ्री. इसमें बेटा मिल्क या फिर किसी भी लिक्विड को प्रिजर्व किया जा सकता है और जर्म फ्री किया जा सकता है. इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड देन कूल्ड क्विकली टू प्रिवेंट द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग. दिस मिल्क इज फिल्ड इन टू स्टेरलाइज्ड बॉटल्स और पॉलीपैक्स. अब बच्चे इस मेथड में क्या करते हैं, हम मिल्क को गर्म करते हैं तेजी से, और जैसे ही गर्म होने के बाद उसको एकदम ठंडा किया जाता है जिससे कि बैक्टीरिया ना ग्रो कर सके, और फिर उसके बाद पॉलीपैक्स या स्टेरलाइज्ड बॉटल्स में, जो जर्म फ्री बॉटल्स होती हैं, उनमें पैक कर दिया जाता है. ओके, दिस इज योर होमवर्क, रीड पेज नंबर 31 एंड 32 ऑफ दिस चैप्टर. आपने बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है बेटा. ओके, थैंक यू बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू.